अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ डॉक्टर उस्मा माई फन फ्राम इस्लामाबाद इट्स बिन लॉन्ग टाइम सिंस आई वाज कनेक्टेड टू यू पीपल थ्रू माय वीडियोस बट आई थिंक बहुत लंबे अरसे से फिर मैं आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थी द रीज़न वाज द ओनली रीज़न इज़ द कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आई बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि ऑल क्लिनिक्स आर ओपन ऑल सेलूनज आर ओपन और आप बंद क्यों हैं सो so, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को थोड़ा सा रिवाइज़ करें या आपको याद हो कि मैं हमेशा एक बात शुरू से कहती आई हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो ही और शी शुड बी अ सर्टिफाइड डॉक्टर उसको डॉक्टर होना चाहिए एक मुस्ंद डॉक्टर तो जब मैं दूसरों के लिए ये एडवाइस करती हूँ तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बीइंग अ डॉक्टर कि मैं हर वो एसओपी फॉलो करूँ जिससे कि आपकी सेफ़्टी हो Uh, अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें कि अ डर्मोटोलॉजिस्ट जो भी और डिजीज़ हैं लाइक कोई भी एमरजेंसी हो सकती है एक्चुअली डर्मेटोलॉजी में इतनी एमरजेंसी uh, होती नहीं बट फिर भी अगर कोई एलर्जिक इश्यूज़ हैं एक्जिमा है सोराइसिस है पेशेंट्स आर वेरी स्केबीज है इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक है क्लिनिक इज़ ओपन लेकिन फॉर द लेज़र फॉर द हाइड्रोफेशियल दिज आर नॉट द एमरजेंसी तो इसलिए मैंने इस काम को स्टॉप किया हुआ था Uh, इसमें यह है कि अब लोग ये कर रहे हैं बहुत सारे लोग यस ऑफ़ कोर्स आई वॉज स्केयर्ड फॉर माई सेल्फ बट मैं अपने से ज़्यादा आपके लिए स्केयर्ड थी बिकॉज अगर ये खातून को अल्लाह ना करे करोना का प्रॉब्लम है तो वो एक से दूसरी और दूसरे से तीसरे में पेशेंट में शिफ्ट हो जाएगा सो uh, so ये बहुत ज़्यादा बिग डिज़ास्टर बन जाएगा हम सब के लिए सो बीइंग ए डॉक्टर मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं इस काम को स्टॉप करूँ सो so इसलिए मैंने इतना लंबा बीच में मैंने ओपन किया था और मैंने एक वीडियो की थी जिसमें स्कूल गोइंग बच्चों को मैंने एडवाइस की थी जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे थे आफ्टर करोना कि आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लें फिर दोबारा स्कूल्स बंद हो गए और अब फिर ओपन हो गए हैं तो मैं अगेन वही बात पेरेंट्स से कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को प्रॉपर एस के साथ स्कूल भेजिएगा अच्छा कुछ लोग इस तरह के हैं जो हाइड कर रहे हैं अगर उनको कोरोना है तो वो हमसे छुपा रहे हैं बाजारों में जा रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं हमारे पास उतने केसेस नहीं हैं जितने के ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं लेकिन काइंडली अगर आप थोड़ा सा आ, डेटा को देखें तो इतनी ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं अगर आप उन फैमिलीज की सफरिंग पूछेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ उन्हीं के लिए करोना आया था सो so, इतना इजी ना लें क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और लास्ट बात मैं ये करूंगी कि जब भी आप हमारे क्लिनिक में आएँ या किसी भी क्लिनिक में जाए प्लीज़ एस को फॉलो करके आएँ अगर विथ अपॉइंटमेंट्स आए अगर आपको जो भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं या दे रहा है प्लीज़ उसकी बात को माइंड मत कीजिए उसको फॉलो कीजिए अपने आप को सेफ रखिए अपनी फैमिली को सेफ रखिए और स्पेशली दूसरों को सेफ रखिए थैंक यू सो मच